आरडी मकवाणा साहेब सीपीआई धरमपुर गुरु ब्राह्मण समाज वलसाड नवसारी घटक नासरी प्रमुख श्री गौरीशंकर शुक्ला आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। आरडी मकवाणा साहेब सीपीआई धरमपुर काफी बढ़िया शॉट और ये शायद कैच बीच में ही गिर गया, ट्राई भी नहीं की कैच की और ये दो रन चुराते हुए स्कोर बढ़ता 41। आरडी मकवाणा साहेब सीपीआई धरमपुर श्री गुरु ब्राह्मण समाज वलसाड नवसारी घटक नासरी प्रमुख श्री गौरीशंकर शुक्ला आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। आरडी मकवाणा साहेब सीपीआई धरमपुर अगली ओवर की अगली गेंद और ये बाई अंपायर का इशारा बाई 42 रन। काफी बढ़िया शॉट, शायद एक ही रन चुराएंगे। आरडी मकवाणा साहेब सीपीआई धरमपुर गुरु ब्राह्मण समाज वलसाड नवसारी घटक नासरी प्रमुख श्री और अंपायर का इशारा व्हाइट, एक रन और एक्स्ट्रा। गौरीशंकर शुक्ला स्वागत कर रहे छे आपनो। और ये अंपायर का इशारा व्हाइट, एक रन और एक्स्ट्रा। स्कोर बढ़ता हुआ 46 और ये अंपायर को ना पसंद आने वाली गेंद वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 47। कंटिन्यू चार वाइट लगा और ये चार रन, अंपायर का इशारा चार रन। स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, शायद 51 रन। फ्री हिट भी दे सकते हैं, छह रन एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। आपको पहले नियम बता दूं, और ये काफी बढ़िया शॉट। बॉलर्स नेम उमंग और ये एक रन चुराते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 52, 52 रन। स्कोर मिनिमम चाहिए 80-90, कुछ हो सकता है। और ये वाइट अंपायर को पसंद नहीं आती है गेंद। 53 रन। काफी बढ़िया शॉट पॉइंट की ओर और ये काफी बढ़िया फील्डिंग, दो रन शांति से चुराते हुए कच्छ के बैट्समैन
टीम तो अरवली भी बहुत अच्छी है, 55 रन, 55 रन थया छे। और ये अच्छा शॉट, शायद एक ही रन चुराएंगे कच्छ के बैट्समैन। स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, 56 रन। काफी बढ़िया शॉट, शायद देखना होगा अंपायर का इशारा, 6 रन। मैंने पहले ही कहा था कच्छ बहुत अच्छी टीम है, बेहतरीन टीम है। स्कोर बढ़ता हुआ 62, फिर से लेग में घुमाता हूँ और ये एक ही रन चुराएंगे शायद, और ये दूसरा रन भी चुराते हुए कच्छ के बैट्समैन, 64 रन। छठी ओवर चाले छे, हजु 64 रन थया छे, 64 रन। और ये कैच, कैच ड्रॉप, छ ओवर 64 रन, 6-64। इस ग्राउंड पर स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। हाई स्कोर, और ये 4 रन, 4 रन।
स्कोर बढ़ता हुआ। स्ट्राइक पर है दिनेश, क्या करते हैं अब देखते हैं। स्कोर बोर्ड है 80 रन, स्कोर पहुंच गया है। एम्पायर का इशारा वाइड, कीर्ति है बॉलर, लंबा हिट लगाना चाहते लेकिन संपर्क ही नहीं हुआ बैट से। सात ओवर है, 81 21। लास्ट ओवर है, बॉलर का नेम मिलन, मिलन का सामना करेंगे हितो, हितेश। क्या करते हैं देखते हैं अब हितेश, लंबा हिट लगाया हितेश ने फील्डर उसके नीचे और कैच आउट। कच्छ का भी हितु के रूप में लगता हुआ, बहुत ही अच्छी बैटिंग की। दिनेश स्ट्राइक पर, क्या करते हैं अब देखते हैं। लंबा हिट लगाना चाहते हैं, कैसा रहा वाइड, स्कोर बोर्ड जाता हुआ 82। फिर से लंबा हिट लगाना चाहते लेकिन भीड़ हुए दिनेश। चार गेंद शेष है अभी इस ओवर की, क्या करते हैं अब देखते हैं। दिनेश फिर से लंबा हिट लगाना चाहते, फिर से भीड़ हुए दिनेश। अब स्ट्राइक पर है राजेश, लेग बाय का रन आता हुआ, स्कोर बोर्ड जाता हुआ एक कदम आगे 83। वाइड, स्कोर बोर्ड जाता हुआ 84। राजेश जो स्ट्राइक पर रहे अभी मिलन का सामना करेंगे, क्या करते हैं देखते हैं अब। लंबा हिट लगाना चाहते लेकिन फिर से बीट हुए राजेश। दो गेंद शेष हैं अभी, क्या करते हैं देखते हैं अब। राजेश फुल टॉस गेंद दी, दो रन 86, एक गेंद सेंस, क्या करते हैं अब देखते हैं। राजू लास्ट गेंद हल्के हाथों से खेल दिया फाइन लेंथ की ओर, फील्डर फील करते तब तक दो रन चुरा लिए, स्कोर बोर्ड जाता हुआ 88। अब अरवली बी को चेस करने 89 नए 80 रन, बहुत ही अच्छी बैटिंग रही कच्छ बी की, बढ़िया। दिनेश जो लंबे लंबे छक्के लगाए अभी, हितेश ने भी लंबे लंबे छक्के लगाए, हाई स्कोर है इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे भाई सरफराज माकड़ा, थैंक यू भाई।
शुक्रिया, बहुत अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली कच्छ 11 की ओर से, एक प्लेयर की ओर से। थोड़ी देर के लिए माफी चाहता हूं। आज के टूर्नामेंट का हाई स्कोर है पूरी टूर्नामेंट का 88 रन, 3 विकेट गवाए। कच्छ भी अच्छी बल्लेबाजी कच्छ भी की ओर से। रन बनाने होंगे निर्धारित 8 ओवर में। अंपायर के लिए पानी की सुविधा कीजिए प्लीज, और गेंदरी जा रही है। आज के दिन का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, अरवली बी वर्सेस कच्छ बी। कच्छ बी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए, जीत के लिए 89 रनों का लक्ष्य दिया है निर्धारित 8 ओवर में। 11 रन प्रति ओवर चाहिए जीत के लिए, लंबा लक्ष्य है। अरवली काफी धुलाई की है पूरी टूर्नामेंट में, आज तक का 3 दिनों का पहला हाईएस्ट स्कोर है। सेकंड हाईएस्ट है वलसाड बी का 72 रनों का, यहाँ पे 88 रन बनाए हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। आप इस टूर्नामेंट को लाइव निहार सकते हैं, DCW लाइव यूट्यूब के ऊपर जाकर आप इस टूर्नामेंट को लाइव देख सकते हैं। लाइव स्कोर भी आप सब्सक्राइब करना जरूरी है। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया गुजरात गुरु ब्राह्मण समाज की ओर से। राजू भाई ने बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है पूरे समाज के लिए। मैं एज अ कमेंटर बहुत जगह पर गया हूं, लेकिन पूरे गुजरात का एक ही समाज का इतना बड़ा टूर्नामेंट अभी तक मैंने नहीं देखा है। ये एक गौरव की बात है राजू भाई के लिए, उनके समाज के लिए। ये एक टूर्नामेंट जो है एक प्लेटफॉर्म है अच्छे बल्लेबाज के लिए, अच्छे गेंदबाज के लिए, समाज के लिए। एक खोज रहती है पूरे समाज के लिए, एक अच्छे बल्लेबाज, अच्छे फील्डर मिल जाए, अच्छे गेंदबाज मिल जाए, ताकि समाज का गौरव बढ़ जाए, उनके लिए ये सोच है। ये टूर्नामेंट सरदार पटेल स्टेडियम वलसाड के ऊपर खेला जा रहा है, तो वलसाड के स्टेडियम के ऑनर को मैं आयोजक की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्षम बनाने के लिए ग्राउंड ऑर्गेनाइज किया, अंपायर हमें दिए। वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के क्वालिफाइड अंपायर दिए। डॉक्टर श्री रमेश भाई गरवा प्रमुख कच्छ घटक तथा तंत्री श्री कनारसी तरफ थी हाई स्कोर माटे 5,100 रुपया इनाम आपवामां आव्युं छे कच्छ तरफ थी। तो इनाम नी राशि अहींया जमा करावी अने त्यार बाद कच्छ ना कैप्टन ने बोलावीने इनाम आपवामां आवशे। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर सक्सेस, फुल टॉस गेंद थी कैच आउट का खतरा और कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर, 1 रन लेने में कामयाब रहे राजेश। पहले ओवर की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑनसाइड के ऊपर फुल टॉस थी, करीबन करीबन वेस्ट हाइट के करीब थी, हल्की सी नीची थी, इसके लिए 9 नहीं मिला। 1 रन के साथ अपना टीम का खाता खोलते हुए ऑन साइड के ऊपर 2 फील्डर है, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग। दिवसीप का प्रयास, कीर्ति कल के हाईएस्ट स्कोरर है 42 रन। अभी तक किसी बल्लेबाजों ने 42 रन नहीं बनाए आज मेरे ख्याल से, इससे पहले की मैच में वाइट का इशारा, स्कोरर ने हाथ कर दिया है, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। एक रन स्कोर बढ़ता हुआ 3। पूरी टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर है कीर्ति, 42 रन नाबाद गए थे पेवेलियन, नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं।
फिजिकली गेंद फाइन लेग की दिशा में खेला, फील्डर शॉट फाइन लेग के ऊपर तैनात, हल्की सी मिसफील हुई, दूसरे रन के लिए जरूर जाएंगे। अब दो रन चहलकदमी करते हुए कहीं पहले पूरा कर लेंगे। दो रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ, पांच रन, पारी का पहला ओवर चल रहा है। लंबा लक्ष्य है अरवली के पास, लंबा लक्ष्य है। 60 रनों की कल जरूरत थी, दो विकेट जरूर गिरी थी, लेकिन अरवली के बल्लेबाज कीर्ति बहुत ही अच्छा खेले थे, 42 रन बनाकर नाबाद लौटे थे जीताकर। फोटोज गेंद थी ऑन साइड के ऊपर, फील्डर तैनात है, लेकिन उसके बगल से निकलती हुई गेंद स्क्वेयर लेग अंपायर के बगल से चौका। इस पारी का दूसरी पारी का पहला चौका, स्कोर ऊपर तक उतना पहुंचा। के आसपास प्रति ओवर चाहिए, अरवली टीम अगर 6 ओवर में जीत हासिल करेगी तो प्रमुख श्री महेंद्र भाई की ओर से 2500 रुपये का इनाम की घोषणा की है। 6 ओवर में टारगेट खत्म करेगी तो आप इतना कठिन लक्ष्य देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप बोलोगे जीत लेंगे तो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। उठाकर खेलने के प्रेस कवर के ऊपर कैच आउट का और पहले विकेट का पतन हुआ। बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी, विकेट गिरने के बाद कमेटी बॉक्स के सामने आकर सैल्यूट किया। बहुत ही अच्छी शैली है उनकी, एक अलग नीति है। वेस्ट इंडीज वाले कुछ ऐसा करते हैं, वो डीजे ब्रावो वाला डांस हमने देखा था वेस्ट इंडीज के प्लेयर की ओर से, दूसरी मर्तबा देख रहा हूँ कच्छ की ओर से। ओवर की समाप्ति हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर नए बल्लेबाज प्रदीप भी इस मैदान के ऊपर गए हैं। अभी भी कृति मैदान के ऊपर है, क्षमता है कृति के पास चौके छक्के लगाने की। 8 ओवर का मैच है। अब स्टंप के ऊपर लेग स्टंप पे ऊपर टप्पा करने के बाद बाहर निकलते हुए गेंद कट करने का प्रयास था, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने बखूबी अदा किया और गेंद पहुंचाई जा रही गेंदबाज को हितेश को। अगले बल्ले से ऑन साइड के ऊपर खेला, मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, शॉर्ट स्पीड मिड विकेट खड़ा किया है सिंगल रोकने के प्रयास में। ऑन साइड के ऊपर दो फील्डर है बाउंड लाइन के ऊपर, व्हाइट का इशारा हुआ, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। अगली गेंद हितेश की ऑफसाइड के ऊपर पंच किया है, बैकफुट पंच किया है, गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर पॉइंट के बगल से, एक तमाचा जैसा लगाया बल्लेबाज को। 4 रनों के साथ डॉट गेंद चौका खाने का वापसी, शॉट गेंद इस मरता वास्तव के काफी बाहर, दोनों बाहें फैलाकर अंपायर की ओर से व्हाइट का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 15 रन, लंबा लक्ष्य है। 89 रनों का हाईएस्ट स्कोर है पूरी टूर्नामेंट का कच्छ बी की ओर से। लो फोल्टर से मिड विकेट के ऊपर से खेला, डीप में फील्डर है, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर, मिड ऑन के फील्डर आगे जहां तक गेंद को फील करके थ्रो किया जाए, दूसरा रन कहीं पहले पूरा कर ले। 2 रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 17 रनों के ऊपर, एक विकेट जरूर गिरी है, लेकिन जानते हैं पावर प्ले का आखिरी ओवर है, फायदा उठाना चाहते हैं, चौके छक्के की तलाश है, सेमीफाइनल में प्रवेश करना है। ऑलरेडी 3-3 में सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है।
डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति हुई, 17 रन इस ओवर में, 8 रन आए। अब कुल मिलाकर 36 गेंदे बाकी है। भावनगर क्वालिफाई कर चुके हैं, सुरेंद्रनगर क्वालिफाई कर चुके हैं, बलसाड भी। मेरी तीन टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, उनमें से एक सेमीफाइनल में चली जाएगी। मुझे थोड़ा सा दुख जरूर होगा, लेकिन एक मेरी चहेती टीम तो फाइनल में पहुंचेगी यकीनन, सुरेंद्रनगर भावनगर। इसमें जगली दिलीप नए गेंदबाज अपने कोटे का पहला इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आड़े बल्ले से ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास था, क्योंकि ऑलरेडी तीन फील्डर है, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, डीप लॉन्ग ऑन कीर्ति के लिए। कीर्ति रिवर्स अच्छा खेलते हैं, उसने विकेट के पीछे दो फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर खड़े कर दिए हैं। सीधा खेलने का प्रयास, कैच आउट का खतरा, यहाँ पर मिसफील्ड जरूर ही। आसान नहीं था कैच लेने का, बहुत प्रयास किया था, मुश्किल कैच था, प्रयास जरूर किया था। मैं सलाना देता हूँ फील्डर की ओर से। बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, तीसरा ओवर जारी है, 89 रनों का लक्ष्य है। अब स्ट्राइक लेंगे प्रदीप, 6 रन के ऊपर खेल रहे हैं 6 गेंदों में। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा करने के बाद हल्की सी अंदर आती हुई गेंद। बल्लेबाज ने सोचा कि आगे जाऊं या पीछे जाऊं, उससे पहले गेंद ने फैसला कर लिया कीपर के दस्तानों में जाने का। बहुत ही अच्छी गेंद थी, तीसरा ओवर चल रहा है, 8 ओवर का मैच है, 89 रनों का लक्ष्य है। ब्लॉकल के दिन लगातार पैड लाइन के ऊपर ब्लॉकल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑन साइड के ऊपर तीन फील्डर है, हाईएस्ट स्कोर है पूरी टूर्नामेंट का कच्छ बी की ओर से। टॉस जीतकर अरवली ने फील्डिंग करने का फैसला किया था, पिटाई हुई। अब चौके छक्के की जरूरत, अगली गेंद ऑफसाइड के ऊपर, गेंद की अंदरूनी किनारा जरूर लगा, लॉकन के क्षेत्र में जा रही है। शॉट मिड विकेट के फील्डर आके गेंद को फील करके थ्रो दिया जाए, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। इसे एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20। व्हाइट का इशारा, लेग स्टंप के बाहर गया, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। लोकल गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर खेला, वहां पर फील्डर तैनात थे लोकल के क्षेत्र में, जहां तक फील किया जाए एक रन पूरा कर लिया। कहीं पहले दूसरे की चेष्टा करना चाहते थे कीर्ति, लेकिन जैसे ही खतरा महसूस किया पीछे के अपने कदमों को। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन। अब 5 ओवर का खेल बाकी है, 30 गेंदे बाकी है। हिसाब किताब किया जाए, मैं लाइव स्कोरर को पूछना चाहूंगा 30 गेंदों में कितने रन चाहिए। तीस गेंदों में 67 रन चाहिए अभी भी। 13-14 रन प्रति ओवर, 13 या 14 रन प्रति ओवर चाहिए। पैड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, योगेश अच्छे गेंदबाज है, अपने कोटे का पहला इनिंग का चौथा ओवर डालते हुए। चारों गेंदबाज एक एक ओवर डालते हुए, डॉट गेंद यहां पर प्रदीप। व्हाइट का इशारा हुआ, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23। कीर्ति खेलेंगे अगर आखिर तक, तो चौके छक्के लगाकर मैच खत्म कर सकते हैं, क्षमता है कीर्ति में। वेस्ट हाइट का ना हुआ है यहां पर, आप बॉडी के ऊपर गेंद नहीं फेंक सकते, कमर के ऊपर। स्कोर बढ़ता हुआ 24, फ्री हिट मिलेगी बल्लेबाज को, एक मौका है चौका छक्का लगाने का। कदमों का इस्तेमाल, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा दिनेश की ओर से, एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। भावनगर और सुरेंद्रनगर के कप्तान कॉमेडी बॉक्स से संपर्क करेंगे टॉस के लिए।
पहला सेमीफाइनल खेले ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट का इशारा हुआ, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 89 रनों का लक्ष्य है निर्धारित 8 ओवर में। भावनगर और सुरेंद्र नगर के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में संपर्क करेंगे टॉस के लिए। पहला सेमीफाइनल उसके बाद का रिवर्सिव का प्रयास है, सही तरीके से बल्ले पर आई गेंद जा रही बाउंड लाइन के बाद 4 रनों के लिए। कीर्ति के बल्ले से निकलने वाला आज के दिन का पहला चौका। बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। बावेश भाई को बिंदी का ऑन साइड के ऊपर खेला, स्क्वेयर अंपायर के बगल से एक रन जरूर पूरा कर लेंगे। बेहतरीन थ्रो, सिर्फ एक रन, इस एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। भावनगर और सुरेंद्र नगर आप लाइव मैच निहार सकेंगे, DCW लाइव यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करके आपको मैच से निहार सकेंगे। रक्षात्मक अंदाज से गेंद को खेला, बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये आप भावनगर सुरेंद्र नगर टॉस हुआ है, लेग स्टंप के गेंद थी, बल्ला जरूर लगा मेरे ख्याल से, चौका मिलेगा, अंदरूनी किनारा लगा था। आप ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते। ओवर की समाप्ति हुई,
5:42 तीन मिनट के लिए कमेंट्री बंद की थी, अजान हो रही थी, इसकी वजह से मैं माफी चाहूंगा। अब फिर से शुरुआत हो रही है, छठा ओवर चल रहा है, 48 रन बने हैं, 89 रनों का लक्ष्य है। कीर्ति अभी भी खेल रहे डॉट गेंद, भावनगर और सुरेंद्रनगर बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, उसमें सुरेंद्रनगर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ऑन साइड के ऊपर खेला था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर चले गए, गैप के ढूंढने में लगातार कामयाब रहते हैं। कीर्ति जानते हैं, उनको पता है कहां पर फील्डर है कहां पर फील्डर नहीं है। दो रन बटोरे ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन, अब 39 रन चाहिए, 12 गेंदों में 39 लंबा लक्ष्य है। इतना आसान नहीं है चेस करना इस मैदान के ऊपर, लेकिन अगर आप गैप में खेलेंगे, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करेंगे तो चौका छक्का लगा सकेंगे। बारह गेंदों में 39 रन चाहिए। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद हल्के हाथों से कट गया पॉइंट के क्षेत्र में, जहां तक हल्की सी मिसफील जरूरी, दूसरे के लिए जरूर जाएंगे। यहां पर जल्दबाजी करके फील्डर को जरूरत नहीं है, एक रन तो ऐसा भी बन जाएगा। आप दौड़कर आएंगे, गेंद को उठाएंगे, थ्रो करेंगे, कीपर तक पहुंचेगा, एक रन बन जाएगा। आप दूसरा नहीं दे सकते मिसफील करके। स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। आड़े बल्ले से ऑन साइड के ऊपर खेला, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर तैनात है। मेरे ख्याल से एक ही रन का मन बनाया है, क्योंकि कीर्ति को स्ट्राइक चाहिए थी। अब कुल मिला के 10 गेंदे बाकी है, 10 गेंदों में 36 रन चाहिए। शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेला, एक रन तो जरूर मिलेगा। इस मरतबा गलती नहीं की, जानते थे एक बन सकता है, जाने दो, एक से कोई तक मुश्किल ही नहीं है, चौका छक्का लगाएंगे तो मुश्किल पड़ सकती है। कट करने का प्रयास, आप आखिरी ओवर से पहले खेल रहे हैं, आपको चौके छक्के की जरूरत है, आप कट नहीं लगा सकते, आपको चौका छक्का चाहिए कहीं पे भी। अगली गेंद, अच्छी गेंद थी। मैं दिवेश बैन को विनती करता हूं, इस मैच के बाद सेमीफाइनल के लिए एक स्कोरर 15 मिनट के लिए देना पड़ेगा आपको, परफेक्ट स्कोरर। ऑन साइड के ऊपर खेला है, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे, एक ही विकेट गिरी है, लेकिन रन की संख्या बहुत ज्यादा है, चेस लंबा है।
सात ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 31 रन चाहिए छह गेंदों में 31। कीर्ति स्ट्राइक पर है। ये रसल मसल वाला खेल, ऋषभ पंत वाला खेल, एबी डिविलियर्स वाला खेल, विराट कोहली वाला खेल, युवराज सिंह छह गेंदों में 6-6 वाला, लेकिन सामने चाहिए स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है। लेग स्टंप के बाहर व्हाइट का इशारा, मेरे ख्याल से शायद पैर में लगी थी, नहीं है, यानी कि 5 गेंदों में 31। चौका बटोर है यकीन कीर्ति ने। चार गेंदों में 27 रन चाहिए, अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डालेंगे और चार गेंदों में 4 सिक्स लगेंगे तो भी कच्छ बी जीत जाएगी, सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डालेंगे तो यहाँ पर चार पीछे है, मैंने कल क्या बताया था, चार टीम मेरी चाहिए थी, में से 3 आ गई है, ये चौथी है। ऑफसाइड के ऊपर पूरे बाहर निकल गए, वाइड क्रीज है, वहां पर पहुंचकर ऑनसाइड के ऊपर ऑलरेडी वहां पर 2 फील्डर है बाउंड लाइन के ऊपर। सुरेंद्र नगर, भावनगर, भावनगर के फील्डर जल्द से जल्द तैयार रहे। और उसके बाद सुरेंद्र नगर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। 7 मिनट का ब्रेक रहेगा, 7 मिनट का, ये मैच खत्म होने के बाद 7 मिनट का ब्रेक रहेगा। अंपायर ग्राउंड में आकर कुछ नाश्ता पानी करना हो तो कर सकते हैं, स्कोरर को भी रेस्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पर कच्छ भी सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई वलसाड के साथ दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी।